जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। ये जनसुराज वाले प्रशांत किशोर जी अपनी विभिन्न सभाओं में, छोटी सभाएं या कहीं जनसभा में, जो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हैसियत क्या है और तमाम नेताओं की हैसियत की जो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल उठ रहा है कि अभी उन्होंने भी अपनी हैसियत क्या बनाई है। ठीक है, वो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और बिहार की तकदीर कैसे बदलेगी उसको लेकर कुछ उपाय बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि यह उपाय कैसे कारगर होगा बिहार में। क्योंकि अगर 33 साल के उदाहरण को वो बता रहे हैं और उसमें यह भी बता रहे हैं कि जो होना चाहिए था नहीं होगा, तो उपाय बता करके ही सिर्फ क्या आप जनता को अपनी तरफ खींच लेंगे, कर लेंगे? और जो नीतीश कुमार और तमाम नेताओं की हैसियत की बात कर रहे हैं, तो इस हैसियत बताने को लेकर प्रशांत किशोर बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए, चूंकि प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ तो रहे नहीं है, ठीक है, वो प्रबंधक रहे हैं, सब है, और प्रबंधन देखा है, राजनीतिक प्रबंधन जो है, तो प्रबंधन देखना और खुद जो है एक नेता के रूप में सामने रहकर लड़ाई रहना कि चेहरा बनना, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। और राजनीति की राह तो पथरीली होती ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल राह है और सीधे चल के आप कहीं पहुंच गए, उसमें तो साम दाम दंड भेद तकरीबन सभी बातें होती है। लेकिन अगर वह यह कहते हैं कि उनकी क्या औकात है, तो ठीक है कि राजनीति में अपने को मजबूत बताने की, ठीक है ना, होता है, एक तरीका है कहने का, क्योंकि कोई हारता भी उम्मीदवार अगर मैदान में होता है ना, उसको पता होता है कि हम हार रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन वह नहीं कहता है कि हम हार रहे हैं, बोलता है कि हमारी जीत तो एकदम 100% पक्की है, ठीक है ना। तो एक तरह से यह कह करके वो जो सामने विरोधी है उसको कहीं ना कहीं भ्रम में डालता है, और उसके नाते वोटर भी कहीं ना कहीं भ्रम में आते हैं कि अरे सही में है क्या कुछ ऐसा कि है लड़ाई में कुछ है, तो वोटर कुछ सोचने को मजबूर होते हैं। तो लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं अभी, उसका एक आधार यह हो सकता है, चूंकि भाजपा हो या नीतीश हो या लालू जी की पार्टी हो, उसमें भाजपा और नीतीश को छोड़ दीजिए, तो लालू जी भी अकेले लड़के बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हैं ना, जो जो हिसाब किताब रहा है, वो शुरू से भी तो मिले जुले ही हिसाब किताब रहे, स्वतंत्र अपना कोई ऐसा कुछ नहीं रहा कि अकेले लड़के, चुनाव लड़के कोई कहीं कहीं तो सफल नहीं हुआ है, आज तक 32 वर्ष में ही अकेले कोई सफल नहीं हुआ है, और खास करके पिछले चुनाव में जो नीतीश जी का हुआ था, ठीक है ना, भाजपा के साथ रहने के बाद भी जो कुछ परिस्थितियां बनी और उसमें जो उनकी सीट सिमट गई, इतनी हो गई, तो उस हिसाब से कुछ अपना जोड़ घटाव करके देख रहे होंगे। लेकिन हम एक अगर उनको वही एक राजनीतिक के रूप में अगर बात करते तो इस बयान को राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर ही देखिए, ऐसा नहीं किसी का हैसियत कर देना कुछ है, ऐसा भी नहीं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार खत्म हो गए, उनका कुछ नहीं है, उनकी अगर नहीं, अहमियत इसको इस नहीं रूप है। में देखा जाए कि लालू यादव जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई दरोगा नहीं हूं, कि आप तुरंत जो है जब चाहोगे हटा दोगे। मैं आया हूं और 20 साल कम से कम सत्ता में रहूंगा, 20 साल उन्होंने कहा था कि 20 साल रहूंगा लगातार सत्ता में। लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए 20 साल के, 15 साल का ही शासन उनका रहा मूल रूप से लालू परिवार का। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई कोई घोषणा नहीं की थी कि वो लगातार 20 साल सत्ता में रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई हैसियत उनकी अपनी थी कि 20 साल पूरा कर लेंगे। तो इस चीज को भी प्रशांत किशोर जैसे लोगों को देखना चाहिए क्या? वही कह रहे, जो बरबोलापन होता है ना, देखिए नीतीश कुमार का जो हालिया जो बयान वगैरह है, जो विवाद वगैरह में है, उसको अगर छोड़ दे तो नीतीश कभी बहुत हल्के नेता नहीं रहे हैं, और उनका बहुत सही बयानबाजी होती रही है, उनको लोग गंभीरता से सुनता रहा है, उनको तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार मिला हुआ है ना, ऐसा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाए हुए हैं, अभी जो भी कुछ स्थिति है, क्या है नहीं है, उसमें जो कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित करके चला है, और एक स्वच्छ राजनेता की छवि बनाई हुई है, और उसमें अभी तक आज तक उन पर सीधे तौर पर कहीं कुछ भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप भी नहीं लगे, देश में अभी
तमाम तकरीबन नेता आरोप झेल रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगने तो इतना ईडी सीबीआई का जो चल रहा है सब, उसमें ऐसा थोड़ी है कि नहीं आ जाते कहीं ना कहीं से। बातें उठी जरूर सृजन घोटाला को लेकर के आई कि नहीं, उसमें फंस सकते हैं, कोई उदाहरण दे देता है जो मुजफ्फरपुर वाला जो बालिका कौन गृह कांड जो हुआ था, जिसमें वो जेल में है, कुछ है उनसे जुड़ाव को लेकर के कुछ कहा जाता है, लेकिन नहीं है। तो ठीक है, इनका आकलन है क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर ठीक है अभी जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, साल भर से ज्यादा हो गया समय वो घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, और उस तरीके से वो कह भी रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं जो भी तमाम दावे हैं सब कुछ है, वो जमीनी हकीकत कहीं कुछ नहीं है, लोग बहुत बेचैन हैं, बेताब हैं, वो कुछ विकल्प चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये कह भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम चूंकि राजनीतिक पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नहीं, लोगों की पार्टी बने, ठीक प्रशांत है। किशोर तो चाह रहे हैं, जी ठीक है, प्रशांत किशोर चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार जो जातिवाद में जकड़ा हुआ है उसको कैसे बाहर निकालेंगे? प्रशांत किशोर की भाषा से भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अहंकार तो दिख ही जाता है। जैसे आप अपनी हैसियत खुद बढ़ा लेते तो यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि नीतीश कुमार की हैसियत और तमाम में दूसरे नेताओं की हैसियत क्या है, क्योंकि इन लोगों ने बिना हैसियत के, जो हैसियत होनी चाहिए थी वो नीतीश कुमार की कभी नहीं रही सत्ता में, मैंने खासकर शासन में शासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उनकी कोई ना कोई ऐसी हैसियत थी, चाहे वो व्यक्तित्व की हैसियत रही हो, ईमानदारी की हैसियत रही हो। 20 साल के, बिहार के 20 साल के इतिहास में लगभग उनका एक नाम तो दर्ज हो ही जाएगा। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि पहले अपनी हैसियत बढ़ाएं। हाँ बेशक बेशक उनको बढ़ाना ही चाहिए। देखिए इसीलिए जो स्थितियां बन रही है, पर होता क्या है ना कि राजनीति में देखिए उनका भी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ धर्मार्थ करने आए हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, नहीं तो अच्छा खासा अपना कारोबार छोड़ करके काहे को आके गांव में धूल पाकते घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, चूंकि अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए दूसरे तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना, यह है। लेकिन नीतीश कुमार के तुलना में खड़ा होना, नीतीश कुमार ने जो एक रेखा खींची है ना, जो राजनीति में जो रेखा है, तो उसको मिटाने के लिए तो अभी तो फिर बहुत कुछ दिखना है। अभी प्रशांत किशोर कहाँ कुछ दिखा पाए हैं, क्या कर लिए हैं नहीं कर लिए, ठीक है, उनको ये उम्मीद हो कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कुछ है कुछ ऐसा माहौल बनेगा, कुछ हम हमारी राजनीतिक हैसियत हम मजबूत हैसियत में आ जाएंगे, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या फिर विधानसभा चुनाव में, या फिर मैंने कुछ निकट भविष्य में कुछ आ जाए, वो उनको जो दिख रहा हो, लेकिन बातें अगर फिर राजनीतिक राजनीतिक की तरह करने लगेंगे, वो कौन उसकी क्या औकात क्या औकात। हाँ इस रूप में अगर कहिए कि भाई हम नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से जानते हैं, हम उनकी राजनीति को समझते हैं क्योंकि उनके हम साथ रहे हैं, तो यह तो बात बन जाएगी। लेकिन अभी हाल के दिनों में उन्होंने एक जगह उदाहरण दिया, उन्होंने से कोई पूछा था कि भाई आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो कहीं कुछ आंदोलन वगैरह हो रहा था, कहीं कुछ सुन नहीं रहा था, तो लेकिन आपने सुना था और उस पर पहल किए थे तो काम हो गया था, तो उन्होंने कहा कि भैया यही तो इच्छा शक्ति की बात है जो कर ले, तो आप तो अपने विधायकों से पूछिए, मंत्रियों से पूछिए, तो सांसद से पूछिए, तो अपने इलाके के सभी पंचायत के नाम नहीं जानते हैं, प्रखंड के नाम नहीं जानते, ठीक है, इनका बरबोलापन हो सकता है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जो 1985 से है ना जी नीतीश कुमार विधायक हैं, और आज तक इतनी लंबी यात्रा है, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, सब कुछ है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, तो उन्होंने जो तय किया है तो वही सिर्फ इस ऐसा थोड़ी तो नहीं जानते हैं लोगों को, अगर मुख्यमंत्री है पार्टी चलाते हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कम से कम वो तो हर एक पंचायत के लोगों को तो बहुत चेहरा से जरूर जानते होंगे कि कौन उसका नेता है नहीं चेहरा, बिला जी भी नेता थे, पुराने नेता थे, तो गाँव गाँव के लोगों को चिन्ह जाते थे, अरे फलाने जी के लड़के हैं, फलाने जी हैं, फलाने जी है, नहीं होता है तो क्षेत्र पर पकड़ नहीं, ऐसा कैसे कहते हैं कोई सांसद बन रहा है जीत रहा है, अरे ठीक है कोई अचानक कहीं दूसरे जगह से आकर जीत जाए तो एक बार जीत सकता है, ठीक है ना, वैसा बार बार कहीं से सांसद कोई नहीं बनता है, ठीक है ना, अगर नया चेहरा है उस क्षेत्र में उन लोगों को नहीं जानता है, ठीक है पार्टी के बदौलत आया, पार्टी के बूते चुनाव जीता, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि अगर
नहीं, लोगों के संपर्क में रहेगा, लोगों की काम नहीं करेगा, लोगों की बात नहीं सुनेगा, तो फिर वो पार्टी के बूते फिर दूसरा चुनाव भी जीत जाएगा, क्योंकि वहां उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन भी होने लगता है ना। तो कुछ बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो नेता की तरह कह रहे हैं, ठीक है ना। उनका अनुमान, उनका भविष्य भी बता देना, भाजपा का भविष्य बता देना, लालू जी का भविष्य बता देना, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो आप तीन में कि तेरह में हैं जी भाई। आप तो एक कहते हैं कि हम राजनीतिक भी नहीं है, हम पार्टी भी नहीं बनाए, हम समाज बदलने चलते। ठीक है, समाज बदलने चले हैं तो आप समाज बदलिए, लोगों को समझाइए, ज्ञान दीजिए, लोग क्रांति करेंगे, व्यवस्था बदल जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, आपको नेता चुनेंगे, कुछ होगा, आइएगा, फिर समानांतर खड़ा होइएगा, तब ना। आज के तारीख में एक आप नागरिक की हैसियत में है ना, और क्या है। तो इस तरीके से बोलना ही थोड़ा बड़बोलापन है। और प्रशांत जी किशोर को जदयू से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि ये बरबोलापन जो है उनका वहां पर एक संकट बनता जा रहा था। हाँ बेशक। और देखिए, नीतीश कुमार ने जिन जिन लोगों को किनारे किया, जो विश्वसनीय विश्वसनीय थे, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, उपलब्ध सिंह जो मुंगेर के सांसद है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षी जगी थी, और भी पार्टी को हाँकने, अपना उसमें घुसपैठ करने लगे थे। तो भाई वन मैन शो है ना, जो व्यक्तिगत बात हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई, लालू जी ने अपनी पार्टी बनाई, जो व्यक्तिगतवादी पार्टी होता है, आप उसमें जाके जो हस्तक्षेप करेंगे और समानांतर खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो भी किनारे हुए थे ना, कांग्रेस में गए थे, ठीक है, वहां बात नहीं बनी, यहाँ आ गए। खाली आप आरसीपी सिंह को देखिए, आरसीपी सिंह कुछ भी बोल दिए कि भाई वो जब कुछ नहीं थे तो हम साहब थे। ठीक है, आप साहब थे, आप अधिकारी थे, लेकिन राजनीति में आपको लाया, स्थापित कौन किया, ठीक है ना। एक नौकरशाह की जो स्थिति होती है वो कहीं छिपी जानी सुनी नहीं है। आपको रखा था अपना, रेल मंत्रालय में जब गए थे तो उनका अपना रखे थे, जो होता है सेक्रेटरी वगैरह, वो सब कुछ थे अपना, कुछ किए, राजनीति मिला, उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, वो भी अपने को नीतीश के बराबर देखने लगे, तो भी किनारे हुए। इनको भी उतना महत्व दिया जाके, पार्टी मंत्री, राजमंत्री का दर्जा दिया था ना जी, उस तरीके से था। इनको बहुत आजाद छोड़ा था कि भैया आप लोगों से मिलिए जुलिए, संगठन को देखिए, लेकिन जब कुछ निर्णय लेना हो और निर्णय लेने के लिए आप दबाव बनाने लगेंगे, तो फिर तो कोई नेता नहीं चाहता है ना। तो यह परिस्थितियां बनी तो किनारे हुए, तो महत्वाकांक्षी तो यहाँ ही ना, स्वाभाविक है जी। और आपकी आपकी एक आज तक जो पहचान है, क्या है, एक राजनीतिक प्रबंधक की पहचान है, ठीक है। आप यह भले कह ले कि हम चुनाव लड़ा के जिताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आइए राकेश रंजन जी का प्रबंधक बनिए, राकेश रंजन जी आपको देते हैं जो आप फीस मांगते हैं, आप राकेश रंजन जी की सरकार बनवा दीजिए, तब ना मानेंगे कि आप बहुत काबिल नेता है, सब कुछ है। अरे संगठन किया धराया है, सब कुछ है, आप वहाँ प्लस माइनस, अरे सर्वे वगैरह क्या होता, कोई चेहरा सामने है तब ना उसका, उसके बारे में आप पूछते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री किसको पसंद करते हैं, राहुल को करते हैं कि मोदी को करते हैं कि ममता बनर्जी को करते हैं। तुम्हारा राकेश रंजन का चेहरा लाके रख के पूछेगा कि इनको प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, तो जनता क्या बोलेगा, भाई दोनों जानवे नहीं करते तो प्रधानमंत्री हम क्या बोलेंगे, कुछ करें। तो आपकी भूमिका क्या रही, पार्टी खड़ा रहा है ना, जो आधार है, और पार्टी एक दिन नहीं बनती। नीतीश कुमार आज की तारीख में जहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो आ गए थे कहीं, वो तो परिवारवाद, उनका तो पिताजी नहीं ना राजनीतिक में थे, राजनीति में थे जी, उन्होंने तो अपनी जमीन बनाई, ऐसा नहीं चुनाव लड़े, हारे हारे तब तो जाके जीते, ऐसा नहीं है कि वो जब भी आंदोलन के समय उस समय जीत के आ गए थे पहली बार में, ठीक है ना। वो तो जाके बाद में जीते, 85 में जीते, रामविलास जी जीत गए थे, लालू जी जीत गए थे, और भी लोग जीत गए थे, वो तो नहीं जीते थे ना, वो तो आके 85 में जीते, तो मेहनत करके। और जिसको जिस क्षेत्र से वहां चुनाव लड़े थे, पहली बार विधायक बने थे, वो क्षेत्र के लोगों से पूछे कि किस तरीके से वहां कुछ समस्याएं होती थी, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर वहां समय देना, सब कुछ करना, जो पुराने लोग हैं अभी भी तो जानते हैं, बताते हैं। तो जमीन थी तब ना, हमारे पास खेत रहेगा तब ना उसमें बीज खाद आप डालिएगा जी, तो खेत था तो अब ठीक है, उन्नत क्वालिटी का बीज लाए, डाले, बुद्धि दिए, ज्ञान दिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कहना इस तरीके से एक कहना। आखिरी सवाल, तो जी 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 क्या प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन से उनकी जो प्रबंधन की उनकी जो अपनी एक व्यवस्था है जिसमें वो लगातार करीब एक दशक से वो काम करते रहे हैं, उसमें कई मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल करते हैं वो, कि उनके माध्यम से उनको जीत मिली है मुख्यमंत्रियों को, तो क्या वो प्रबंधन बिहार में कोई करिश्मा करेगा, आपको ऐसा लग रहा है?
कुछ नहीं, कोई प्रबंधन से कोई करिश्मा नहीं होता, ठीक है ना। वो हालात जो होते हैं और हालात जो बनते हैं वो बताते हैं कि मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री वो प्रबंधन के कारण नहीं बन गए प्रधानमंत्री, जो देश के हालात हो चले थे, ठीक है ना, जो उस समय का माहौल था, जो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया, हो सकता है उन मुद्दों को उठाने के लिए सलाह देने वाले यही थे, जो समय महंगाई का मुद्दा था, सब कुछ तरह तरह के जो मुद्दे थे और जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही थी। उसके पास राम मंदिर पहले से मुद्दा है, ठीक है ना, रहा है, वैसा नहीं है कि कुछ नया मुद्दा लेकर चला। उनके 370 का मुद्दा वो भाजपा का मुद्दा रहा है, वो आज का नया मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। कॉमन सिविल कोड उसका पुराना रहा है, उसके नाम पर वो पार्टी रही है सब कुछ है। वो तो कहता ही था कि हर हाथ को काम, नारी को सम्मान, अयोध्या में श्री राम, क्या क्या, ये तो शुरुआती आज का नारा नहीं है, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय का नारा है। तो परिस्थितियां बदली तो हो गई, ऐसा नहीं है कि प्रबंध एक दिन में ऐसा कुछ नहीं ना हो गया है। अरे मोदी जी चेहरा बन क्या है, संगठन खड़ा था, ऐसा नहीं ना कि संगठन एक बार की खड़ा कर दिए प्रशांत किशोर जा करके। अरे ठीक है, प्रचार का एक माहौल बनाना होता है, ही मान सकते हैं कि कुछ ऐसी बात हो, सब कुछ हो, मीडिया में आना, मैनेजमेंट करना अलग बात है ना। आप शादी समारोह करते तो कैसे, अब तो मैनेजमेंट हो जाता है ना, अब कुछ नहीं करना है। पहले था कि उनके यहाँ से दरी लाइए, जाके उन्हें पैसा दीजिए, अब तो वो स्टेज बना देगा सब कुछ, कब आपको जाके खड़ा होना है, कौन ड्रेस पहनना है, क्या करना है, सब कर देता। तो ये वो थोड़े कहने लगा कि हम नहीं रहते तो आपका शादी नहीं होता, आपके बच्चा का शादी नहीं होता। अरे आप व्यवस्था देखे, ठीक है, तो अच्छी व्यवस्था हो गई तो आप अच्छे व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक होना और संचालक होना दोनों में बहुत फर्क होता है ना। चेहरा ऐसा नहीं है ना कि किसी को लेकर फिल्म बना लेती है, आपका फिल्म हिट हो जाता है, कि फिल्म कुछ फिल्म की कहानी भी होगी, कुछ बात होगा, स्क्रिप्ट होगा, डायलॉग होगा, गाना होगा, कुछ नाम नंबर हीरो हीरोइन होगा, तब नहीं चलता है जी, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा करिश्मा कर रहे हैं, इनको समय लगेगा। पहली चर्चा में भी कई बार बताए हैं कि ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन परिस्थितियां हम लोग तो लाख डिजिटल पर लगातार प्रशांत किशोर की गतिविधियों पर चर्चा कर ही रहे हैं। कभी वो सकारात्मक भी हो सकती है, कभी नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन हाँ यह जरूर है हाँ कि प्रशांत किशोर को हम लोग को लगता है कि पहले वो अपनी हैसियत बढ़ाएं, क्योंकि बिहार में हैसियत बढ़ाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। इतना आसान काम नहीं है कि आप एक जातिवाद में जकड़ा हुआ राज्य है, इतने पिछड़ेपन के बीच में वहाँ आम जिंदगी मैंने कटती बीतती है आम लोगों की। आप उनको जो भी दर्शन की बात समझा रहे हैं या जो भी डेटा मास्टर आप हो गए हैं, डेटा उनको देते हैं, क्या कितना उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जरूर जी ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी हैसियत बढ़ाए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की हैसियत खुद ब खुद घट जाएगी। बातचीत जी बेशक बेशक, सही बात सही बात सही के बात लिए आपका आभार, नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार।